Assalamu alaikum, good morning, Pakistan. Welcome to Murree Weather Facebook Live. Bahut sare viewers israr kar rahe the, demand kar rahe the ki we are waiting for morning live aur road ki kya situation hai. To main road ki ye situation aap is waqt dekh rahe hain, barfbari ki bhi situation dekh lein aur main road ki bhi dekh lein. Is waqt हल्की हल्की स्नोफॉल जारी है. अभी हमारे सामने ही मशीन यहाँ पे काट के गई है बर्फ़ को. तकरीबन मरी में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर 3 इंच से 6 इंच तक के करीब यहाँ पे स्नोफॉल रिकॉर्ड हो चुकी है और ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा. तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 6 इंच तो होगी, ये मज़ीद 6 इंच होगी. ये देखें, ये आपको नमक नज़र आ रहा होगा जी. इसको उठाओ, एक मिनट उठा के व्यूअर्स को दिखाते हैं. ये देखें जी, ये है साल्ट जो महकमा हाईवे यहाँ पे फेंक रहा है. ये मशीन एक बार फेंक के जाती है, कटिंग करके जाती है, उसके बाद दोबारा से जब वो वापस आती है तो ये बर्फ़ को मेल्ट कर देता है, गला देता है. ये देखें, ये नीचे अब बर्फ़ गलना शुरू हो गई है. ये एक यूरो को देखें, ये आ रहा है बड़ी तेज़ी से. बस स्पीड लगा के जाते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. छोटी मोटी गाड़ियाँ, ये देखें पिकअप्स वगैरह, ये इस वक्त चल रही हैं. तो मेन रोड तो तकरीबन यहाँ तक तो खुला है जी. और ये देखें, ये नमक की वजह से ये अब गलना शुरू हो गया है. ये देखें, ये बर्फ़ हलवा बनना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं. तो हाईवे अथॉरिटी अपना काम जारी रखे हुए जी. मुस्तफ़ा, आपको वेलकम करता हूं जी. बहुत सारे फॉलोअर्स, सबको वालेकुम सलाम भी कहता हूं, वेलकम करता हूं जी मरी वेदर फेसबुक लाइव पे. आप देख सकते हैं, ये देखें 360 व्यू में आपको थोड़ा सा देता हूं. और धुंध ज़्यादा है जी, फॉग हो गई है. करंट टेम्परेचर -3.6 है, तो ऑलमोस्ट समझ लें कि -4 के लगभग है यहाँ का दर्जा हरारत. और ये देखें, ये गाड़ियाँ आ रही हैं आपके सामने. तो कोई मुश्किल नहीं है जी. रात मुश्किल हालात थे, लेकिन अब हमें लगता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन ये है कि अगर सफ़र करते हैं तो काइंडली अपने साथ रस्सी और जो टायर के ऊपर चेन्स होती हैं वो ज़रूर आप अपने साथ रखें. एक गाड़ी का मंज़र दिखाता हूँ जी. ये देखें, ये गाड़ी दफन हो चुकी है बर्फ़ में. ये रात को कोई साहब यहाँ पे खड़ी कर गए थे, आप देख सकते हैं इस गाड़ी की सिचुएशन कि क्या है जी. और एक दो ट्रक भी खड़े हुए हैं यहाँ पे. ये देखें, ये छोटी गाड़ी ये स्लिप करती हुई जा रही है, स्किड करती हुई जा रही है. नीचे उतरते हुए टायर स्किड ज़रूर करते हैं. और सामने दो गाड़ियाँ यहाँ पे भी कोई पार्क करके गया था, ये भी इस वक्त बर्फ़ के अंदर हैं जी. और मज़ीद जिस तरीके से स्नोफॉल का इम्कान है आज शाम तक जारी रहेगी, तो आई थिंक के मज़ीद 6 इंच अगर आ गई तो 1 फुट के लगभग यहाँ पे बर्फ़ रिकॉर्ड हो सकती है. ये दो गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्क करके गए हैं. और मेरे ख्याल में ये गाड़ियों की चौकीदारी हो रही है, यहाँ से कोई छीन के ना जे दे जाए, उठा ना ले. ये देखें, सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है जी. हर चीज़ जमी हुई है. सिटी, फ्रोज़न सिटी का व्यू इस वक्त मलके कोसार मरी पेश कर रहे हैं जी. शेयर करें बहुत. हुर खान, आपको भी वेलकम करता हूँ जी. अब्दुल्ला राजपूत, आपको वेलकम करता हूँ. तो -4 टेम्परेचर है जी ऑलमोस्ट. तो हम आपके साथ लाइव हैं, एंजॉय कर रहे हैं. मिस मानो, आपको भी वेलकम करता हूं. ये देखें जी, करंट टेम्परेचर -3.6, तो ये इज़ इक्वल टू -4. सुबह 9:03 हो रहे हैं जी. आपको पीछे सायरन की आवाज़ें भी आ रही होंगी. तो महकमा हाईवे अथॉरिटी की मशीन्स, उनके साल्ट स्प्रिंगल जो यूनिट होते हैं वो इस वक्त हरकत में हैं. और इंशाल्लाह ताला उन्होंने ठान ली है कि हम मरी के रास्ते बिल्कुल ओपन रखेंगे, हम मरी के रास्तों को बंद नहीं करेंगे.
फरहान हमीद कुरैशी वेलकम करता हूँ जी। ट्रैवल एडवाइजरी ये है कि सफ़र ना ही करें तो अच्छा है जी, क्योंकि ऑलमोस्ट होटल्स भी बुक हैं, रात तकरीबन 2 से 3 हज़ार के करीब जो गाड़ी है वो वापस गई है जिनको कमरे नहीं मिले। तो यहाँ पे रूम की अवेलेबिलिटी हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप आज सफ़र ना करें, आप कल आ जाएं, क्योंकि ये हैवी स्नोफॉल मज़ीद अभी चलेगी और इससे ज़्यादा होगी जी। हमारी पेशेंट कोई सच हो गई है। थैंक यू सो मच। ये पूरी दुनिया आपको देख रही है जी, क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर जी पैगाम हमने क्या देना, मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है, कारोबार बेहतर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह खुश रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, हमें कहते हैं कि आपकी पेशगोई 100% सच्ची साबित हुई, तो थैंक यू जी। इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है जी, आपको नज़र आ रही होगी। आज हमने एक सेंस की हुई है जी, उस सेंस को मैं हम बाद में आपको दिखाएंगे कि वो सेंस हमने क्या की हुई है बर्फ़ से महफूज रहने के लिए, ताकि हमें सर्दी ना रहे। और ये देखें छोटी गाड़ियाँ, ये भी छोटी गाड़ी है जी, और सामने से भी कल्टस आ रही है। तो ये देखें इनकी क्रॉसिंग, हाफिज़ तनवीर, मुनज़्ज़र शम्स, भट्ट तैयब, तनवीर इकबाल, अब्दुल्ला राजपूत, हमीद जलमी, मुनीर शेख, लव यू कह रहे हैं जी, लव यू टू, जिन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। जहां जेब जेबी इंजॉय कर रहे हो या नहीं? वालेकुम अस्सलाम। जितना सर जहां जेब जेबी ने मेरा इस स्नोफॉल पे खाया है, किसी फॉलोअर ने नहीं खाया। एंड लुक एट द फ्रोज़न सिटी, माशाल्लाह ये देखें क्या खूबसूरत दरख्तों ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। और ये लोग वो हैं जी, ये जो भागम भाग जा रहे हैं, बर्फ़ इंजॉय करने आए थे और सुबह सुबह पतरी गली से निकल रहे हैं, ताकि हम फंस ना जाएं। फंस भी सकते हैं, लैंडस्लाइड्स भी आ सकती हैं। तमाम हालात का सामना करने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए, जब वो मलके कोसार मरी में उस वक्त आए जब हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड होती है, और अभी भी लगी हुई है। ये देखें, ये आपको स्नोफॉल नज़र आ रही होगी। तो हाँ जी, हाँ बस ये तेज़ होती रहेगी। ये देखें ये पतली गली से निकलने वाले आवाम, और माशाल्लाह तकरीबन सब छोटी गाड़ी वाले हुए हैं जी, जो पूछ रहे हैं कि हम छोटी गाड़ी पे आए हैं, किस तरीके से आए ना आए, तो ये सब छोटी गाड़ियों पे ही आए हैं। आगे भी देख रहे हैं भाई, बर्फ़ से वो क्या कहते हैं, हर बंदे का चेता उड़ जाता है जी, रल जाता है। तो अभी वो भाई को अगर मैं ना कहता कि आगे भी देख लें, तो उसने हमें रोंद डालना था, तो उनकी भी मजबूरी नहीं है। सर्दी की शिद्दत भी इतना ज़्यादा है और ख़ूबसूरती भी इतना है। ये इस दरख्त को देखें जी, हम ऐसे नहीं कहते वाइट, ओह ज़बरदस्त जी। ये व्यूवर देखें, ये सही मानों में इंजॉय हो रहा है जी। ये देखें एक लड़का बर्फ़ में 100 के ऊपर से DSLR से तस्वीरें बना रहा है। ये देखें जी, इट्स अमेजिंग। लगता है कि ये बंदा ऊपर से गिरा है, लेकिन ये सही मानों में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। इनको कहते हैं जी इंजॉय करने वाली मखलूक। तो ये अगर ये ना किया तो फिर मरी क्या आया, मरी आने का मकसद ही फोत हो गया। माशाल्लाह लुक एट द टूरिस्ट। ये देखें जी लिखी त्राड़ के पास ये सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर मॉडलिंग हो रही है माशाल्लाह सुबह सुबह। और ये देखें एक अंकल हैं जी, अंकल के जज्बे भी जवान हैं माशाल्लाह। वो देखें अंकल इनकी तस्वीरें बना रहे हैं हर एंगल से। कोई कहता है सो के दिखा, झुक के दिखा, लेट के दिखा, वाह क्या बात है जी, इट्स अमेजिंग व्यूज़। ये देखें यहाँ पे भी नमक पड़ा हुआ है, तो ये नमक ऐसा ऐसा मेल्ट करता रहेगा। अभी देखते हैं जी, अंकल साहब कह रहे हैं जी क्रॉस करके बढ़ाओ ना मेरी, ऐ देखो कहाँ से आए हैं, लाहौर से आए हैं,
انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو پوری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے. مری ویدر پیج دیکھا ہے آپ نے, لائک کیا ہوا ہے؟ مری ویدر فیس بک کا, اس کو سرچ کریں آپ, اس کے اوپر لائیو ہیں. اور اس وقت پوری ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے, اور جو لائیو ویور ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب اس وقت لائیو آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ گاڑی آپ کے سامنے جی مین روڈ کے اوپر آ رہی ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں, تو اس کا مطلب ہے مری تک اپروچ بالکل فٹ ہے جی. جنہوں نے مری آنا ہے وہ آ جائیں, نہیں آنا تو وہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھتے رہیں. ماشاء اللہ, یہ دیکھیں ایٹماسفیئر دیکھیں, اور یہ آپ لکھت راڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں سامنے, دا موسٹ ہانٹیڈ پلیس ان مری. اور یہ 1880 میں یہ اسٹون بریکٹ کیا گیا تھا, 1880 میں, ہسٹوریکل پلیس ہے یہ. اور دیکھیں ماشاء اللہ, اٹس امیزنگ گریٹ ایٹماسفیئر. آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بھی ہیں چھوٹی گاڑیاں سب اس وقت جا رہی ہیں, آ رہی ہیں. انجوائے کرنے دیں, کرنے دیں, یہی تو وقت ہے. یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت منظر ہے اس وقت. ابھی ان کو مما ڈانٹ رہی ہے کہ عرفان, عمران جلدی آؤ, اور بچوں کا دل نہیں کر رہا جانے کو. وہ کہتے ہیں ہم یہ ساری برف لاہور لے کے جائیں گے. یہ دیکھیں ان کی تصویریں بھی ختم نہیں ہو رہی, ان کو فیملی بلا بلا کے تھک گئی ہے, لیکن انہوں نے میموری کارڈ فل کرنے ہیں جی. اور کیونکہ یہ وہ یادیں ہیں کہ ان کو برسوں یاد رہیں گی. یہ دیکھیں آپ سمائل کر رہے ہیں, اور برف میں لیٹا ہوا کون تھا مجھے یہ بتائیں, یہ والے پاس. اچھا, ابھی آپ کو پورا پاکستان کے پوری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے. مری ویدر پیج آپ نے لائک کیا ہوا ہے؟ اس کو سرچ کر لیں, مری ویدر صرف سرچ کر لیں. اور یہ دیکھیں تقریباً 1000 کے قریب اس وقت بھی آپ کو لائیو ویور دیکھ رہے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور. لاہور اور فیصل آباد یہاں پہ نمبر لے گیا. وہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں, یہ سیلیبریشن ہے. انجوائے کر رہے ہیں, چلو انجوائے کریں, جسٹ چل. یہ جی, یہ ماشاء اللہ بہت نائس فیملی جو انجوائے کرنا جانتی ہے ایسی کنڈیشنز کو. اور برف باری بہت تیز ہوگی ہے جی, ہیوی سنو فال اس وقت شروع ہوگی ہے جی. یہ دیکھیں میرا فیوریٹ گزیبو, سامنے دیکھیں پہاڑ کے اوپر لیئر گراؤنڈ. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی آپ کے ساتھ. میں آپ کے نام نہیں پڑھ رہا, اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا آج. آج ایک ٹیکنیکل مجبوری بھی ہے, کچھ نام مجھے نظر آ رہے ہیں, کچھ نام نظر نہیں آ رہے, تو معذرت کرتا ہوں جی. مرزا بلال ہیں, ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو. آپ سب سے ریکویسٹ ہے جی, یہ ایکسکلوسیو لائیو ہے, سنو فال کے دوران لائیو ہے, اس کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے جو ہمارے فالوور ہیں وہ ان باکس میں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ روڈ کنڈیشن کیا ہے. تو مارننگ لائیو کرنے کا مقصد ہی ایسا ہے کہ سب انجوائے کریں. اور یہ دیکھیں یہ پکنک منانے آئے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم, کہاں سے آئے ہیں جی؟ لاہور شہر سے. پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ کراچی سے آئے ہیں. تو یہ گیس سلنڈر بھی ساتھ رکھا ہوا ہے کیوں جی؟ اچھا, اوپر فیملی ہے, پکنک منانے آئے ہیں. اچھا, فیملی کو ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ماشاء اللہ, یہ دیکھیں جی اگر کہیں پہ سردی لگ جائے تو گیس سلنڈر. اور یہ دیکھیں یہ گاڑی اسکیڈ ہوئی ہے جی, یہ اسکیڈ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ مشکلات آپ کو آ سکتی ہیں. یہ آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ پرابلم آپ کو اس وقت آ سکتی ہے. ٹائر کی ہوا کم کر دیں, چاروں ٹائروں سے ہوا آدھی کر دیں, یہ نہیں کی ابھی زیادہ ہے. یہ ٹائروں کی ہوا مزید کم کریں, مزید کم کریں. اور یہ دیکھیں یہ ایک فیملی ہے, ان کی گاڑی سکیٹ کی ہے انہوں نے, اور یہ بھی سکیٹ کر رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ ایکسیلیٹر, آہستہ آہستہ, سپیڈ نہیں دینی.
ये देखें, ये इंतहाई गलत ड्राइविंग है, ये बिल्कुल गलत ड्राइविंग है। अस्सलाम वालेकुम, शीशा नीचे करें एक मिनट। स्पीड बिल्कुल भी नहीं देनी आपने, स्टेयरिंग सीधा करें, स्टेयरिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम जी, मरी वेदर। मरी वेदर के ऊपर इस वक्त भी आप लाइव हैं और देखें कितना व्यूवर देख रहे हैं, 1K+। कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल गलत ड्राइव कर रहे हैं। आप वो मैट से आपने सीखी है, पहुँच गए, लेकिन गलत ड्राइव कर रहे हैं। स्टेयरिंग सीधा करें आप बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे आप ऐसा ऐसा पैंडल दें, पहला गियर लगाएं, इंतहाई स्लो के इशारा दें, बस नहीं ये तेज है, इशारा दें इस तरीके से, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, स्पीड ना दें, 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 थोड़ा सा पीछे जाने दें। ये देखें जी, विजिटर्स यहाँ पे लाइन लग गई है, और ये हमारे फॉलोअर हैं, और हमारे फॉलोअर ही हमारे सामने फंस गए, लाहौर से आए हैं, तो ये मसाइल इस वक्त आ सकते हैं। थोड़ा सा मैट नीचे, मैट नीचे रख दो। हाँ शाबाश, स्नोफॉल भी बहुत हैवी होगी ये जी, बहुत हैवी स्नोफॉल इस वक्त हो रही है, और ये परेशान है, स्पीड ज़्यादा दे रहे हैं, इनसे ले लो खुद, ऐसा ऐसा दो, अगर वो देते हैं आपको तो इनकी हेल्प करते हैं जी। ये देखें बहुत लंबी लाइन इस वक्त बन गई है, तो ये वो मसाइल हैं, और वो हमारा मोबाइल पे वो लाइव प्रोग्राम भी देख रहे थे इस वक्त ड्यूरिंग, और ये भी आ गए। ये पीछे ले जाएं, फिर आप पीछे ले जाएं थोड़ा सा, आप बिल्कुल पीछे जाने दें आप। स्पीड ऐसा रखें, ऐसा ऐसा, और स्टीयरिंग सीधा रखें। ये देखें, ये बिल्कुल गलत तरीका है जी, ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं चलाने चाहिए, कभी भी आपकी गाड़ी नहीं निकलेगी। जितना वो परेशान हो गए जी, पैनिक हो गए, तो अब क्या करें जी। ये देख, ये बिल्कुल गलत तरीका है जी, इस तरीके से कभी भी ना आए, बिल्कुल हल्का पेडल लगा के आए। ये देखें इस तरीके से ये गाड़ी आ रही है, शेयर करें जी इस एक्सक्लूसिव लाइव को। आप आ जाएं बिल्कुल ऐसा 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 ऐसा, नहीं जी अब मुश्किल है, अब मुश्किल है। ये देखें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड के ऊपर बर्फ़ जम गई, इसीलिए हम आपको ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं कि मरी की तरफ रुख मत करें। अगर इनके पास अभी रस्सी होती, चेन होती, तो ये गाड़ी फिर कभी ना फंसती, लेकिन ये है कि अब निकलने की कोशिश में है, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम होगी इनको आगे तक। उन्होंने मैट वाला तरीका इस्तेमाल किया हुआ है, जिस तरीके से मैंने एडवाइजरी जारी की थी, बल्कि आपने सुना है कि वो लाइव में कह रहे थे कि जी हमने ये मैट रखना भी आपसे सीखा है, तो मैट का इस्तेमाल सही है। आप जहाँ पे आपकी गाड़ी स्किड करे तो आप फ्लोर मैट निकाल के टायर के नीचे रख लें। अब ये देखें, ये गाड़ी भी स्लिप होना शुरू हो गई जी, ये भी अब लगेंगी, अल्लाह इनको खैर से ले। स्लो स्लो स्लो, पैडल के ऊपर इशारा दें बस। ओ मारेगा यार, मारेगा, देखें आप, यही प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि हम ट्रैवल एडवाइजरी क्यों जारी करते हैं, आप खुद देख लें जी फॉलोअर्स, हम इसीलिए आपको कहते हैं कि जिस वक्त भी आप आएँ मरी में, तो रस्सी और चेन ज़रूर रखें। अगर ये आपके पास होती हैं ये चीज़ें, तो मैं कहता हूं कि आपकी गाड़ी दौड़ के जाएगी, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। तो मैं फिर सबको कह रहा हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हैवी स्नोफॉल इस वक्त हो रही है, ये देखें बहुत ही हैवी स्नोफॉल है शदीद, और सड़क देखें बिल्कुल डिसअपियर हो गई है, और ये मनाजिर हैं जी मलके कुसार मरी से इस वक्त लाइव। स्टेयरिंग उसको कहें सीधा करे, स्टेयरिंग सीधा करे यार, स्टेयरिंग सीधा करे, हाँ, और पैडल को इशारा दें, स्टेयरिंग सीधा करें ना, वो टेढ़ा करें, स्किड हो रही है। हाँ बिल, हाँ यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, ऐसा 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 ऐसा,
आप इतना तेज एक्सीलेटर दे देते हैं उनको, कहें कि होंडा गाड़ी है ये तो दौड़ के जाएगी, पैनिक ना लें, बस टेंशन ना लें। हैवी स्नोफॉल है जी, बहुत तेज बर्फ इस वक्त लग गई है और यही ट्रैवल एडवाइजरीज हम जारी करते हैं, बार बार इशू करते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, मरी वेदर की तरफ से, पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ से, कि खुदा ना जिस वक्त भी मरी हैं आप, आपके पास फ्लोर मैट पड़ा हुआ है, फ्लोर मैट पड़ा हुआ है, फ्लोर मैट नहीं है नीचे गाड़ी में, कमाल है जी, फ्लोर मैट भी नहीं है जी इनके पास। ये मेरा क्यूट सा हैंडसम भाई खड़ा है जी, शर्मा रहा है। देखें जी, हम इस वक्त रोड के ऊपर निकले हुए हैं, मदद भी हो रही है, आपको लाइव मनाजिर भी दिखा रहे हैं। ब्रेक छोड़ो, ब्रेक, 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 ब्रेक। बिल्कुल उनको कहें खुदा के लिए स्टेयरिंग तो सीधा रखें यार। वो देखें जी, ये बड़ी टेंशन होगी। चलें जी उस्मान, धक्का दो यार, इनकी मदद करें। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ सीधा रखें, बस ऐसे ही आस्ते आस्ते पेडल पे, बस जोर नहीं देना, बिल्कुल जाने दें इसी 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 रफ्तार में जाना। ओफ, आप देखें जी, एक्सियन हाईवे सिटी ट्रैफिक पुलिस तमाम डिपार्टमेंट अगर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं तो काइंडली यहाँ पे रोलबा कटिंग मशीन भेजें और 60 स्प्रिंगल व्हीकल भेजें, यहाँ पे हालत बहुत ख़राब हो गई। ये जा रही है फोर व्हील, ये जा रही है जी इस वक्त आपके सामने, और ये गाड़ियाँ यहाँ पे इस वक्त आ सकती हैं, आप देख सक रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अलावा किसी गाड़ी के हालत आप देख सकते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं ये 1.8 है, आगे भी 1.8 खड़ी हुई है, तो ये बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। एक तो चलाना नहीं आता, जल्दी ना करें गाड़ियां लग जाएंगी, क्या कर रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख भी रहे हैं कि गाड़ियां फंसी हुई हैं, आपकी गाड़ी तो माशाल्लाह जहाज है, आपकी गाड़ी तो जहाज है, निकल जाएगी, वो ठुक जाएंगी, आप साइड पे रखें, वो स्लिप हुई तो आपकी गाड़ी को लग जाएगी। अभी दो गाड़ियां यहाँ पे लग रही थी तो इसलिए आप तो मजीद क्लोज करके आ रहे हैं कि आके मुझे ठोके, वो अपनी सेफ्टी रखें जी। ये देखें जी, व्यूवर्स देख रहे हैं, इसीलिए हम ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं कि स्नोफॉल में मरी की तरफ रुख मत करें, अगर आए तो रस्सी और चेन ज़रूर लगा के आएँ, इसके अलावा ट्रैवल करना इंतहाई डेंजरस है। अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, अपने प्यारों से प्यार करें। जी ये आइस कटिंग मशीन भी आ गई है, पैनिक ना करें, वो अभी बर्फ़ काट देगी, दूसरी साइड के ऊपर इधर ही रखें, थोड़ा सा आगे कर लें, थोड़ा सा अगर कर लें, मशीन आ गई है वो काटेगी, आप फिर इसी लाइन के ऊपर लेके जाइएगा, थोड़ा सा इसको धक्का लगा के सीधा उधर करें, मशीन गुजरेगी उसको रास्ता मिलेगा तो है, थोड़ा सा गाड़ी साइड पे कर लें। ये देखें जी, हाईवे अथॉरिटी की आइस कटिंग मशीन भी आप इस वक्त देख रहे हैं, तो तमाम इदारे तो इस वक्त कर रहे हैं, और ये गाड़ी स्केट कर रही है जी, ये होंडा आप देख रहे हैं सिटी, ये स्केट कर रही है। बस कोशिश करें जो भी आ रहे हैं रस्सी और चेन ज़रूर लेके आएँ टायरों के ऊपर, अदरवाइज डोंट ट्रैवल टू मरी। तो ये देखें जी, ये मशीन आ रही है आपके सामने, इस जगह पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे मारें गाड़ी तो निकल जाएगी जी जी, यहाँ पे जाएं, बस राइट साइड को स्टेयरिंग सीधा रखें और एक्सेलेटर ऐसा दें। शेयर करें जी ये खूब, ये अब मैं क्या कहूँ, ये खूबसूरत मनाजिर भी हैं और परेशानी वाले मनाजिर भी हैं, कि ये देखें गाड़ियाँ फंस रही हैं और बार बार सोजल मलिक यही कहता है कि मरी आए तो टायर के ऊपर रस्सी और चेन लगा के आए, एक एक चेन अगले टायर के ऊपर फ्रंट व्हील और एक चेन दूसरे के ऊपर।
तब जाके आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ये देखें, ये अब गाड़ी निकल गई मशीन आने का, ये कम से कम ये फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन चलाने की भी स्नो पे ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बर्फ़ के ऊपर ड्राइविंग का, तो फिर ये सीन आप जहाँ तक आप जाएंगे ये सीन करते रहेंगे और लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। ये देखें जी, ये फोर व्हील ज़बरदस्त ये फोर व्हील ज़बरदस्त। और ये गाड़ी अभी स्किड कर रही थी, ये भी आ रही है, और सामने करोला भी बैठ गई है जी, वो भी इस वक्त नहीं आ रही। तो काइंडली बार बार कह रहा हूँ कि रस्सी और चेन ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये देखें, ये स्किड कर, एक्सेलेटर ना दिलवाएं, स्लो स्लो, और आधी आधी हवा निकाल दें टायरों की, चारों की। कहाँ पे निकालिए आप, बाद में डालें, पंप है आपके पास तो इसको कर देना, इसको तकरीबन 15-15 कर लें, आधी आधी कर लें, निकल जाएगी। हवा निकाल दें बस, टेंशन ना लें, 15 पाउंड कर दें, निकल जाएगी। ये देखें जी, ये मनाजिर, और बहुत शदीद बर्फ़ लगी हुई है जी, हैवी स्नोफॉल है, हैवी, आप देख सकते हैं, वेरी हैवी स्नोफॉल इस वक्त हो रही है जी। वो आ जाएंगे, आप बस थोड़ा तक यहाँ तक आ जाएं, उसके बाद निकल जाएंगे, पीछे से रोड साफ़ है। बस ये है कि एक्सीलेटर को आप बिल्कुल पानी की तरह, जिस तरीके से हल्का सा इशारा करते हैं ना, मैट पड़ा हुआ है गाड़ी में, मैट पड़ा हुआ है, फ्लोर मैट, वो निकालें आप, फ्लोर मैट इस टायर के नीचे रखेंगे ना, जो जो स्किड करेंगे उसके ऊपर चलती जाएगी, वो निकालें ना। तीन तीन पड़े हैं तो ठीक है, रस्सी और चेन तो लाजमी लगा के आया करें यार, मरी में जिस वक्त भी हैं। ये देखें जी, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट, अब उसकी मशीन भी किधर जाए जब ये इतनी लंबी लाइन लग जाए, दूर तक लाइन ही लाइन है गाड़ियों की। ये भी सफाई करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं, और काफ़ी हद तक कुछ गाड़ियाँ निकल गई हैं, लेकिन वो गाड़ी यहाँ से तो निकली हैं, लेकिन आगे बिल्कुल दोबारा से फंस गई हैं। दिलशाद साहब, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो देखें जी, स्टेयरिंग सीधा, स्टेयरिंग सीधा, हाँ, बस जाने दे, जाने दे, और इसको स्पीड ना लगे। ये जी मलके कुसार मरी गए, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये कनाडा, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूरोप, मॉस्को, ये उसके मनाजिर नहीं हैं ये, लेकिन ये कंडीशन वही बन गई है इस वक्त, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ड्रॉप है जी। साइबेरिया, साइबेरिया बना हुआ है, साइबेरिया में तुम्हें पता है कि गाड़ियां वहां पे 6 महीने स्टार्ट रहती हैं, वो पेट्रोल डालते रहते हैं, वो बंद नहीं करते, क्योंकि उनकी अगर गाड़ियां बंद हो गई तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो घरों में उनका 6 महीने तक जो गाड़ियों के इंजन है पूरे 6 महीने वो ऑन ही रखते हैं। उफ़ ओ हाईवे अथॉरिटी की गाड़ी को ये मारती थी जी। नहीं नहीं, अभी इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। देखें, स्नोफॉल बहुत तेज़ हो रही है जी, जैसे कि हमने फोरकास्ट की थी कि आज पूरा दिन बर्फ़ होगी, तकरीबन 3 से 6 इंच तक मरी में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर स्नोफॉल हो चुकी है जी। छीका गली। और ये देखें, ये चलाने का गलत तरीका है जी, एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, बिल्कुल स्लो रखना चाहिए गाड़ी को, उसके बाद फिर निकलेगी। ओ ओ ओ ओ, बच के, रेस नहीं देनी जी, रेस, अरे हाय, सुजल मलिक चीख चीख के थक गया कि रेस नहीं देनी एक्सीलेटर पे, बस मुक गया तेरा शो मुक गया इसका शो, अब इतना रेस लगा रहे हैं। हाँ जी, अब हंसी भी आ रही है जी, मैं क्या करूं, मुझे अफसोस भी हो रहा है, हंसी भी आ रही है कि लोग फंस रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से फंस रहे हैं, बस मैं क्या करूं, वो देखें, वो सामने गाड़ियां। तो मेरे ख्याल में आप सबको मैं ट्रैवल एडवाइजरी फिर से जारी कर दूं कि ये देखें, मैं हाथ हाथ जोड़ के कहता हूं कि
इस तरीके से मत आएं, खुद भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। अगर आना है तो टायर के ऊपर रस्सी और चेन वो इंस्टॉल करके आएं, उसके बगैर गुजारा नहीं है यहाँ पे अगले 24 घंटे, क्योंकि ये जो स्नोफॉल है ये लगी रहेगी। वाह बब्बर शेरनी और मेहरान, देखो जी, ऐ देखो जी मेहरान नंबर वन, मेहरान ना स्किड कर रही है ना कुछ मज़े से, क्योंकि वो लोकल ड्राइवर है, वो यहाँ का लोकल ड्राइवर है, उसको पता है कि मैंने एक्सीलेटर नहीं देना। वो मलाई की तरह इस रोड के ऊपर गाड़ी को लेके गया है। यही तरीका होता है कि एक्सीलेटर नहीं देना और गाड़ी को अपनी मर्जी के ऊपर चलने देना। अगर ऑटो है तो एक्सीलेटर से पाँव हटा लेना है, उसको खुद चलने देना है। अगर मैनुअल है तो बस बिल्कुल हल्का सा इशारा देना है पैडल के ऊपर। ये देखें, ये स्किड कर रही है, ये बड़ी तेज़ी से जा रही है, ये देखें, ये इन्होंने फुल एक्सीलेटर दिया हुआ, जो इंतहाई गलत तरीका है गाड़ी चलाने का। इनसे तो मेहरान अच्छी है जो गई है और ये स्किड कर गई। बस ये देखें, ये होता है जी तजर्बा, ये होता है तजर्बा। और हम यही चीज़ कर रहे हैं कि एक्सीलेटर ना दें, ना दें, गाड़ी को खुद चलने दें। और हमारे मैदानी इलाकों से आए हुए ड्राइवर हजरात समझते हैं कि हम कीचड़ में फंसे हुए हैं और स्पीड लगाएंगे निकल जाएंगे, तो बहुत गलत तरीका है जी, ना करें। ये गाड़ी सही जा रही है, ये गाड़ी सही जा रही है, ये तरीका होता है जी। ये देखें, इन्होंने बिल्कुल एक्सीलेटर नहीं दिया हुआ, ये सुकून से जा रही है। दिस इज़ द बेस्ट ड्राइविंग, आप देख रहे हैं, ये तरीका है, ये तरीका है जी। देखें व्यूअर्स, ये तरीका गाड़ी निकालने का है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। वो देखें, ये किसी को मारेगा, और ये वो देखें, वो आगे गाड़े रुक गए हैं, बस अब उसका भी शो ख़त्म हो गया। जो पपां पपां करके जा रहा है ना, आगे उसकी पपां हो गई है। ये देखें जी, जी रईस इरफान अली कह रहे हैं जियो मेहरान। मेहरान जी असल में ड्राइवर उसका यहाँ के लोकल है ना, तो उसको पता है कि मैंने कैसे चलानी है। अभी आपने इस गाड़ी को भी देखा, ये हमारी जो डायरेक्शन है इनको फॉलो कर रहे थे और स्पीड नहीं दे रहे थे। आप अगर स्पीड नहीं देंगे, गाड़ी को अपनी मर्ज़ी पे जाने देंगे तो गाड़ी निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बेपैनिक नहीं होना बस। ये देखें, अब तीन तीन लाइनें लग गई हैं और हमारी कौम को जल्दी बड़ी है जाने की, आगे सबको बंद करेंगे और कोई गाड़ी नहीं निकल सकेगी आगे, जो हाल बना रहे हैं ये। ये देखें जी, ये हालात हैं मलके कोसार मरी के, बर्फ़ भी बहुत तेज़ हो रही है जी। हुसैन साहब कह रहे हैं जी मलिक साहब बंदे उतार दें गाड़ी से। वो सर जी बंदे भी उतार देते हैं, लेकिन वो जो बंदे अंदर हीटर लगा के बैठे हुए हैं, वो उनको कहाँ दिल करता है कि -4 की सर्दी में वो आएँ, तो वो बाहर ही नहीं निकलते जो हीटर लगा के बैठे हुए हैं। तो साफ ज़रे सबको उतरना पड़ता है, अगर गाड़ी स्किड कर रही है तो सबको गाड़ी को खाली करके धिक्का लगाना पड़ता है, लेकिन नहीं, आगे सिचुएशन ख़राब हो गई। उधर चलते हैं, क्या पोजीशन है यहाँ से, तो हमने कुछ क्लियर करवा दिए। ये देखें, आगे देखते हैं जी क्या पोजीशन है, हमारे साथ रहिए, एक्सक्लूसिव लाइव है जी। ये मनासिर मुझे तो साइबेरिया के लग रहे हैं आज, लेकिन ये मरी है और मेहरान सबसे नंबर वन पोजीशन, क्योंकि वो लोकल ड्राइवर है और उसको पता है कि कैसे चलाना है। ये देखें जी, मेहरान सबसे आगे, ओए होए मैं भी गिरता था जी, बच गया। ये देखें जी, वही गाड़ियां जो पपां पपां करके जा रही थी, उनकी पपां पपां यहां पे एंड हो गई है। अब मैं देखूंगा ये पपां पपां कैसे करते हैं। ये देखें, चलो कुछ ना कुछ है, वो मैट भी रख रहे हैं, जिस तरीके से फ्लोर मैट होता है वो भी रख रहे हैं। गाड़ियाँ मूव कर रही हैं जी, ये देखें जी, हमारे कैमरे का लेंस भी सफाई मांग रहा है जी, सफाई करते हैं। ये देखें जी, ये स्टेयरिंग जब ही टेढ़ा करेंगे इनकी गाड़ी
लगने का खतरा होगा। स्टीयरिंग सीधा रखेंगे और एक्सेलेटर के ऊपर हल्का पाँव रखें तो गाड़ी निकल जाएगी, नहीं तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और इसीलिए हम ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं कि डोंट ट्रैवल टू मलके कोसार मरी ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग देन यू कैन यूज टायर चेन्स, सर्दी से हमारी हालत भी ख़राब होगी। अब्दुलरहमान कुरैशी वेलकम करता हूँ जी, बहुत ठंड है जी आज तो, सिटी फ्रोजन सिटी बना हुआ है जी मलके कोसार मरी। ये देखें कितना बर्फ़ के अंबार यहाँ पे लगे हुए हैं और इस वक्त भी हैवी स्नोफॉल जारी है जी। ये देखें मंजर, देखें ट्रिलियन डॉलर व्यू, उफ। और सर्दी देखें जी, सर्दी देखें -3.4, दिन के 9:35, इट्स अमेजिंग वेदर। और ड्यू पॉइंट देखें माइनस खा रहे हैं, देखें हमारे हैंड देखें सुर्ख हो गए हैं, रत्ते रत्ते हाथ देखो जी आज इनको, देखते हैं जी। ये होंडा सिटी वाला बबर शेर की तरह जा रहा है लेकिन आगे बकरी बन जाएगा, और बकरी बन गया। इरफान खान वेलकम करता हूं जी, ओहो यहाँ पे क्या हो गया जी, वेलकम अगैन जी। हमारे पास 3 की बच गई जी गाड़ियाँ, वेलकम अगैन मरी वेदर लाइव, खुश आमदेद जी। यहाँ पे 3G 4G सर्विस बंद हो गई थी, एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहता हूँ जी, वेलकम। खान खान आपको वेलकम करता हूँ, सजाद अब्बासी चिल, फराज करीम चांडिया वेलकम जी, हीरा अब्बासी दिल भेज रही हैं, थैंक यू जी, अफाफ सिद्दीकी हैं स्पीचलेस अबाउट दीज ड्राइवर्स जी, अशरफ खान वेलकम करता हूँ जी, अब्दुल हसीब खान आपको भी वेलकम करता हूँ, हबीबुल्ला जी एम, तारिक खटक, सैयद नबीजादा, चौधरी इमरान, ओ एन खान, सरफराज सिद्दीकी, हारून खान, हुमायूं खान, यहिया यूसुफ, आप सबको वेलकम करता हूं जी, वेलकम टू मरी वेदर फेसबुक लाइव। और ये देखें हमारी व्हीकल्स इस वक्त जारी हैं, और मरी वेदर के फॉलोअर जा रहे हैं जी, वो देखें मोबाइल में मरी वेदर को देखते हुए हमें भी देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि ये कौन हैं। और ये देखें ये बड़ी गाड़ी भी स्केट कर रही है जी आपके सामने, हुंडई, हुंडई भी स्केट कर गई है, हालांकि 4x4 है। और यहाँ पे ये मनाजिर हैं, इन्हीं मनाजिर का हम कहते थे कि मलके कोसार मरी में जब भी आएँ रस्सी और चेन अपने टायरों के ऊपर चढ़ा के आएँ ड्यूरिंग स्नोफॉल, इसके बगैर यहाँ पर हालात आपके सामने, 4x4 स्केट कर रही है जी। ये देखें नहीं नहीं वजन को छोड़ें, ओह मेहरान है परेशान, और मेहरान की परेशानी की हालत अब उसके ड्राइवर के चेहरे के ऊपर भी नजर आ रही है। और ये गाड़ी देखें, ये 4x4 है, हुंडई है, असल में ये हुंडई है, इसमें ताकत नहीं है और डिसबैलेंस गाड़ी है, इसका बैलेंस भी अच्छा नहीं है, इस वजह से ये देखें जी मेहरान को धक्का लगा के उसकी मुसीबत कम की। और ये अब 4x4 गाड़ी जा रही है, स्नोफॉल भी हो रही है, और ये पहली गाड़ी मैंने देखी है जो 4x4 भी स्किड करते हुए जा रही है, असल में इसमें पावर नहीं है, डिसबैलेंस गाड़ी है, मोगी पावर ठड तो मोगी है पावर। मैं उनके अल्फाज सेंसर कर रहा हूँ जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं जी अपने लिए, वो खुद को गालियाँ दे रहे हैं लेकिन इंजॉय कर रहे हैं जी। लाहौर से आए हैं पाजी, उन्होंने बड़े स्टाइल च खुद नु जो गाली कड़ी है ना बस। वाह क्या टारगेट है जी, क्या निशाना है जी,
उन्होंने विंडो खोली और डायरेक्ट बर्फ का गोला उनके मुंह के ऊपर इस भाई ने मारा, ताक ताक के निशाना। कहाँ से आए? लाहौर से। लाहौर नंबर वन है जी स्नोफॉल देखने में। और ये देखें जी लोकल पिकअप, पहाड़ों की शहजादी, जिसको कोई टेंशन नहीं होती, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती ये शहजादी ज़रूर जाती है। और ये है भी 660 सीसी गाड़ी, और ये बड़ी मदद से जा रही है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसने सवारियाँ भी बिठाई हुई हैं। ये देखें फिर बच गया जी, निशाना खता हो गया। इस बार बचत होगी जी उनकी, इस बार बचत होगी है। यही तो मौसम है जी एंजॉय करने का। लाहौर से आए हैं, हज़ारों का पेट्रोल लगा के और हज़ारों रुपए पे कमरा लेंगे अभी, तो यही वाइट ब्यूटी देखने आए हैं। और ये देखें जी इस वक्त मेन रोड के मरहाइल, और जो जो हमारी लाइव से पूछ रहे थे कि मरी के क्या हालात हैं, तो ये रियल टाइम वेदर आप देख रहे हैं, स्नोफॉल भी जारी है और लोगों की परेशानी बढ़ते हुए, क्योंकि लोगों ने चेन्स नहीं लगाई हुई और माशाल्लाह गाड़ियां भी जो भी आ रही हैं भर भर के आ रही हैं, तो हीटर की वजह से वो बाहर भी नहीं निकल रहे और गाड़ी भी नहीं चढ़ रही, तो ये काम, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर गाड़ियों में वज़न ज़्यादा है तो बंदे हल्के करने पड़ेंगे, उसके बाद गाड़ी आराम से जाएगी। जीपीओ तक यही हाल होगा जी, रास्ता खुला हुआ है, बहरहाल यही डांसिंग कार बन के जा देंगी बस। हाँ, सड़क के ऊपर डांस करते जाएं, रॉक एंड रोल। होटल में बुकिंग कराई हुई है आपने? अच्छा, अपना घर जीपीओ में। अच्छा अच्छा, तो ये देखें जी व्यूअर्स, इस वक्त मलके कुसार मरी के हालात आपके सामने। हजरत खान यूएसए से देख रहे हैं, राशिद खान जियो लाला खान कह रहे हैं जी थैंक यू, सना अली हमें ज्वाइन किया है, मलिक फैज़ हैं जी बिल्कुल सही जी, इरफान मलिक दिल भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस वक्त भी 2K+ पीपल आर वॉचिंग आवर लाइव स्ट्रीमिंग, तो शेयरिंग तो ज़रूर बनती है जी। ये देखें 4x4 गाड़ी कैसे जाती है, मज़े लेके। ये 4x4 गाड़ी मज़े लेके जा रही है जी, इंजॉय करते हुए, लेकिन छोटी गाड़ियाँ भी अब चल पड़ी हैं, ट्रैफिक रवा दवा। एसन मुगल वेलकम करता हूँ जी आपको, खुश आमदेद। माहर खान आपको भी वेलकम करता हूँ, चौधरी वकास जट आपको वेलकम करता हूँ, फरहान खान थैंक यू सो मच, उस्मान खान माशाल्लाह, ये कौन सी जगह है जी? मलिका कोसार मरी। ओ हो 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 हो, और ये देखिए जी मुकाबला है जी स्किट करने का, टायरों की चीखें आप सुन रहे हैं, क्लच प्लेट्स की स्मेलें मैं सूंघ रहा हूँ, और ये देखें जी वैगनार जा रही है जी 660 सीसी। महलान और वैगनार का मुकाबला देखते हैं, और ये पहाड़ों की रानी, ये पहाड़ों की रानी, ये उस जगह पे जाती है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती। मैं कहता हूँ ये सारे लाखों रुपए की गाड़ियाँ छोड़ के यही 660 पे आ जाएं, इंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए? लाहौर यार, लाहौर नंबर वन है जी। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ थी सबसे पूछा, सब लाहौर से आ रहे हैं, यानी लाहौर बाजी ले गया है पूरे पाकिस्तान में स्नोफॉल लवर्स। और यकीन करें हमारे पेज के ऊपर भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो फॉलोअर हैं, लाइक करते हैं, वो लाहौरिया हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अभी आपको दिखाता हूं पेज के इनसाइड में, मैं आपको दिखाता हूं जी। तो लाहौर के लिए क्या कहते हैं जी, तालियाँ होनी चाहिए लाहौर के फॉलोअर्स के लिए। ऑडियंस मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये अभी आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ, ये देखें जी लाहौर से हमारे 224.8K यानी 25,000 के करीब हमारे फॉलोअर्स लाहौर से हैं। ये ऑडियंस इनसाइट हम पेज के इनसाइट दिखा रहे हैं, उसके बाद इस्लामाबाद के फॉलोअर हैं जी 15.5K। तो सबसे ज़्यादा मरी वेदर को जो फॉलो करने वाले हैं वो लाहौरी हैं, 25,000 के करीब फॉलोअर सिर्फ हमारे लाहौर के हैं पाकिस्तान में। और सबसे जो कम है वो भी आपको दिखाता हूँ जी, सियालकोट से कम है जी 2.6। सियालकोट आखिरी नंबर पे है जी, आखिरी पोजीशन पे है। सियालकोट वालों गैरत खाओ जी, आपकी लास्ट पोजीशन है हमारे फॉलोअर्स में से 2.6।
और लाहौर के बाद कौन है जी? इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के बाद है जी कराची। ये देखें जी 12.8K। तो लाहौर पहले नंबर पे है, इस्लामाबाद दूसरे नंबर पे, कराची तीसरे नंबर पे, और जी चौथे नंबर के ऊपर रावलपिंडी है, पाँचवें नंबर के ऊपर फैसलाबाद, छठे पे गुजरांवाला, और मुल्तान सातवें नंबर पे है जी 4.1K। तो ये आपने देखा अब्दुल खालिक साहब, आप लाहौर वाले सियालकोट वाले हैं खालिक साहब, आपका शहर इस वक्त पीछे है जी मरी वेदर के फॉलोअर्स में, तो आखिरी पोजीशन पे हैं। सियालकोट वालों को मजबूर करें कि वो लाहौरियों से ये पोजीशन लें। लाहौरी छा गए जी, लाहौर लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया नहीं, इंज तो नहीं किया गया सी। अब कंट्री वाइज देखते हैं जी कि हमारे जो इंटरनेशनल फॉलोअर हैं दुनिया भर से कौन से मुल्क है। पाकिस्तान के तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होंगे, आपको पता है। उसके बाद देखते हैं जी कि हमारे जो इंटरनेशनल ऑडियंस हैं सिटीज़ को छोड़ के, टॉप लोकेशन उसको छोड़ के देखते हैं जी हमारे पाकिस्तान के अलावा। ये देखें जी 127K पाकिस्तानी, और यूनाइटेड अरब एमिरेट से 6.6K, ये आप देख रहे हैं, और सऊदी अरेबिया से भी 6.5K। और बड़ी खुशी हो रही है जी मुझे, बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया में पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद, सऊदी अरेबिया के बाद आपको इंडिया नज़र आ रहा होगा जी। ये देखें जी इंडिया 5.1K, इंडिया से हमें फॉलो करते हैं जी। पाकिस्तान तो वैसे हो गया, अगर मैं काउंट करूँ UAE, और इंडिया भी पोजिशन में, यूनाइटेड किंगडम इंडिया के बाद है जी। तो मैं इंडिया वालों का भी शुक्र अदा करता हूं कि वो मरी वेदर को इतना फॉलो करते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में, वो चौथे नंबर पे मुल्क हिंदुस्तान है जो मरी वेदर को फॉलो करते हैं जी। क्या बात है जी, अब्दुल खालिद साहब लव यू टू। तो ये आप देखें माशाल्लाह, रोड सुनसान हो गई है, वीरान हो गई है, वो जो रौनक शुगर मेला लगा हुआ था सुबह से वो ख़त्म। तो अब हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पेट भी खाली हैं, खाली पेट पूजा नहीं होती। तो अब हम भी खाने शाने खाते हैं, कोई गर्म अंडे खाते हैं, नाश्ते करते हैं, गरम गरम कॉफ़ियाँ पीते हैं, उसके बाद फिर किसी और जगह से आपके साथ सुजल मलिक लाइव करेंगे जी। तो अब आपने देखा कि आज हमने आपको ये भी दिखा दिया कि हमारे सबसे ज़्यादा फॉलोअर किस शहर के हैं, लाहौर के। आखिरी नंबर पर कौन है? सियालकोट। हमारे सबसे ज़्यादा फॉलोअर तो पाकिस्तान के हैं 135K, उसके बाद UAE, फिर सऊदी अरेबिया, फिर हिंदुस्तान। वाह क्या बात है जी, देखें हमसाए, हमसाए इसी को कहते हैं ना, कि हम जितना भी लड़ रहे हैं हमसाए तो नहीं बदल सकते। तो हमारे हमसाए, मुझे खुशी हुई है, मैं रात ये रिकॉर्ड देख रहा था तो हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि मरी वेदर को फॉलो करने में दुनिया में चौथी पोजिशन इंडिया से फॉलोअर की है। तो मेरे ख्याल में ये डेफिनेटली मुकेश कुमार और उसके अलावा जो हमारे पक्के फॉलोअर हैं, ये उनकी कोशिशें होंगी कि उन्होंने इंडिया में मरी वेदर को इंट्रोड्यूस कराया, और आज इंडिया भी चौथे नंबर पे है। तो दूसरे मुल्क में रहने वालों को सोचना चाहिए कि, सॉरी जी मैं गिर गया था, बचत हो गई है। ये देखें जी सीढ़ियाँ, अब हम इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे कश्मीर पॉइंट, तो सांस हमारी चढ़ जाएगी जी। तो मैं फिर लाइव नहीं दे सकूँगा, तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं, मुझे इजाज़त दीजिएगा, ऑक्सीजन भी कम है, स्नोफॉल भी हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।